नमस्ते मैम, मेरा नाम है स्मिता पाटिल। मैं कल्याण से हूँ। मैंने लामा फेरा मतलब ऐसे कोई इस प्रकार की हीलिंग पहली बार सीखी है। इसका नॉलेज भी मुझे कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसा होता है ये भी मुझे पता नहीं था। ये यूट्यूब पे मेरे हस्बैंड ने देखा, उनको लगा कि मैं सीखूँ, और उनका ये था कि आपसे मैं सीखूँ। इसलिए जब जो एकेडमी नेहा गुरु जी ज्ञान एकेडमी में जब आप सिखा रहे हैं उनको पता चला तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला। तो एक्चुअली मेरा पैर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। एक पैर से मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोला था, तो इसलिए उनका ये था कि वो मैं खुद की जिम करूँ और अच्छे से वो सीखूँ, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन करने को बोला। जितना भी सीखा, प्रैक्टिस जितना भी किया, उतना मैंने बोलती कि सफिशेंट है। अभी भी मैं और कुछ सीखना और ज्यादा मतलब वो उसके लिए और प्रिपेयर होना चाहती हूँ खुद से, लेकिन इतना ही बोल सकते हो कि जितना भी आपसे सीखा और इसके साथ, ये तो लामा फेरा तो सीखा, मेरे लिए सब नया था, तो भी मुझे आपसे सीखते हुए बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने देखा, मैं तो ज्यादा बात नहीं करती थी वीडियो पे, पर जितना भी सब जो हमारे ग्रुप में है उनका छोटा छोटा प्रॉब्लम जो भी है, या तो पर्सनल मैं आपको कुछ बोलूँ तो भी आप इतने अच्छे से बोलते थे, और उसमें ही मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता कि मेरे को ये आएगा। मेरे लिए ये बात ज्यादा जरूरी थी कि मेरे को ये समझ में आएगा, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। अभी भी मेरे लिए यही है, और मुझे भी ये चीज का ज्यादा है कि मैं आपसे सीखी हूँ। पहला जो कोर्स हुआ इसमें मैं आपसे सीखी, ये मेरे लिए ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, और आगे भी मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और पहले स्पेशली तो मैंने आपको बोला, तो आपको मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ सामने से। जैसे बोलते हैं कि एक रहता है ना, हम मुझे आज इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि जब ऐसा लगता है ना हमें कि भगवान को हम रोज बुलाते हैं, देखना चाहते हैं सामने से, ऐसे समझे वही फीलिंग आपके लिए मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बार मैं आपको सामने से देखूं। और जो भी सीखा, जो भी आपसे मतलब मुझे मिला, ये इसके लिए तो मैं पूरा मतलब मेरे तरफ से मैं पूरा, मेरा प्रैक्टिस नहीं हो पाया जितना होना चाहिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ बाहर रहने की वजह से, पर जो भी है जितना भी सीखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मैं आपसे टच में रहूं और सब कुछ और अच्छे से सीखूं, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। और मुझे मेडिटेशन के लिए भी आपसे ज्वाइन करना है, उसके लिए भी आप पर्सनल पे मुझे एक बार तो एक कर दीजिए, बोल बिल्कुल दीजिए। जी, बिल्कुल जी. थैंक यू, थैंक यू स्मिता जी. वेरी नाइस ऑफ यू. सब ठीक होगा, डोंट वरी. हाँ, आज के इसमें यही मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं आपसे सीखी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक और यू. मतलब ऐसे पहले जो कोर्स करते हैं और ऐसे गुरु मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे सच में आपसे सीखते हुए बहुत अच्छा भी लगा। और बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, मुझे अभी जो सीखा है वो कितना मैं कर पाऊंगी, इस मैं आपसे सीखूँ तो मैं जरूर करूंगी, इतना कॉन्फिडेंस मुझे लगता है। बिल्कुल, एनर्जीज वर्क करती हैं. आपका अगर इंटेंशन सही है और पॉजिटिव है तो एनर्जीज जरूर से आपको हेल्प करेगी. वो कभी किसी को साथ छोड़ती नहीं है. जब तक आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, वो आपका साथ नहीं और छोड़ेगी. बीच बीच में जब मैं हस्बैंड से भी बात करती थी ना, तो वो उतना ही बोलते थे मुझे कि जिससे तुम सीख रहे हो ना, तो उतना ही ध्यान में रखो कि आप अंशु अग्रवाल जिससे सीख रहे हो। हालांकि उन्होंने आपसे कुछ कोर्स किया नहीं है, बट क्या पता उन्होंने जब वीडियो आपका देखा जब यूट्यूब पे, तो उनको एक था कि नहीं, जो ग्रेटिट्यूड रखो, वो यही बोलते थे तुम ग्रेटिट्यूड रखो कि जिससे तुम सीख रहे हो वो बहुत बहुत मतलब आगे, मतलब उनका वही बहुत नॉलेज है और बहुत, तो गुरु बहुत अच्छे मिले हैं तुझे, तुम ध्यान देना और अच्छे से सीखो। और वो हमेशा मतलब ऐसे पूछते थे कि अच्छा लगा आज का, ये सच में बहुत अच्छा लगा आपसे सीखते हुए, और हमेशा आगे भी रहूंगी कि मैं सीखूँ आपसे और कुछ अच्छे से और बिल्कुल इसमें बिल्कुल, करूँ। जुड़े रहेंगे. हम सभी जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं. बाकी लैंग्वेज का तो हिंदी बोल लेते हैं, बट मराठी में ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ज्यादा मराठी में बात करने की आदत है ना। महाराष्ट्र मतलब नासिक से हूँ, एक तो पहले से बॉम्बे में रहते, अभी 15 साल हो गए, तो भी ज्यादा तो मेरा मराठी बोलने में इंटरेस्ट रहता है, इजी बोल पाती नहीं, हूँ और आप अच्छा अच्छा लगता हिंदी बोल रहे हो, है। हमें मैं नहीं मराठी लगा कि आप नहीं बोल पा रहे हो. में इसलिए मैं लेक्चर में भी कभी ज्यादा बात नहीं करती थी, सुनती थी सबका पर बात नहीं किया कभी, आपसे पर्सनल किया एक दो बार बस। जी, बिल्कुल. थैंक यू, थैंक यू.